हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं डिजिटल बीआर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी साइट आपके लिए सिक्योर है। दोस्तों, आजकल आप जानते ही हैं कि बहुत सारी हैकिंग हो रही है, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी फ्रॉड बन गई है जहां पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, आपके पेज को रिडायरेक्ट कर दिया जाता है और वहां पे आपको क्लिक करने से आपकी पर्सनल डेटा उन लोगों के पास मेल के थ्रू चला जाता है। यानी दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल आप एक सिक्योर साइट पे हो, एक जेन्युइन साइट पे हो, वहाँ पे आप काम करते हो, अचानक से कोई ऐसी आपके एक्टिविटी आती है अपने डिस्प्ले पे, उस पर आप क्लिक करते हो, करते ही के साथ दूसरे साइट पे आप चले जाते हो, उस तरीके से आपकी साइट से दूसरे साइट पे रिडायरेक्ट करवा दिया जाता है और वहाँ पे गलती से आपने कोई यूज़र नेम पासवर्ड अगर डाल दिया, वो यूज़र नेम पासवर्ड उन हैकर्स के पास चले जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आपको पता चले जिस वेबसाइट पे आप वो वेबसाइट जेन्युइन है, वो वेबसाइट आपका सिक्योर है, आपके डेटा को किसी तक जाने नहीं देगा, तभी आप उसको यूज़ करें। तो इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में ताकि आपको भी पता चले कि कौन सी वेबसाइट पे कैसे चेक करेंगे कि ये वेबसाइट हमारे लिए सही है, यानी कि हमारे लिए सिक्योर है या नहीं है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे मैं ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ और ब्राउजर ओपन करके मैं आपको दो तीन साइट के बारे में बताऊंगा दोस्तों, ऐसे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी साइट सही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गूगल ओपन कर दिया हूँ, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ amazon.com। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल दिया amazon.com और मैंने amazon की साइट ओपन कर ली और इसके बाद मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये अमेज़न की साइट है जैसे कि आप जानते ही हैं। तो दोस्तों, इस साइट पे आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, लेकिन दोस्तों इसके ऊपर जब आप देखेंगे यहाँ पे, यानी URL, आप जानते ही होंगे URL क्या होता है, ऊपर जो URL है वहाँ पे देखेंगे, पहले यहाँ पे लॉक लग रहा है एक और यहाँ पे लिख रहा है सिक्योर, उसके बाद में लिख रहा है दोस्तों HTTPS। यहाँ पे ध्यान देंगे HTTPS लिखा हुआ है, ना कि HTTP only। यहाँ पे देखेंगे H फॉर हाइपर हो जाता है और T फॉर टेक्स्ट और T फॉर ट्रांसफर और P फॉर प्रोटोकॉल और S फॉर मिल जाता है सिक्योरिटी। यानी दोस्तों, जिस वेबसाइट पे आप जाएं वहां पे एक बार आप जरूर उस वेबसाइट के लिंक पे देख ले, URL पे देख ले कि आपको HTTPS मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो दोस्तों आप वहां पे निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर के वहां पे अपनी यूजर नेम पासवर्ड जो भी आप उस पे काम करना चाह रहे हो कर सकोगे, क्योंकि वो साइट कोई हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस साइट की सिक्योर करने के लिए काफ़ी लोग उस पे काम कर रहे होते हैं। यानी दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम अचानक से वेबसाइट कोई ओपन करते हैं, वहां पे हमें कोई पेमेंट करना होता है, तो दोस्तों हैकर्स के नज़र में वही सारे वेबसाइट पे वो काम करते हैं जिन पे पेमेंट मेथड या फिर डेटा मेथड हो, ताकि उनके पास पेमेंट और डेटा आपका जा सके। तो जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, या फिर दोस्तों नेट बैंकिंग यूज़ करते हो, कोई भी बैंक की साइट यूज़ करते हो, या फिर पर्सनल कोई साइट यूज़ करते हो जिसपे आपकी डेटा इन्फॉर्मेशन जो है महत्वपूर्ण है और वो लीक ना हो, इसके लिए हमेशा आप ध्यान रखें इस बात का कि जो भी साइट पे आप अपनी कोई भी इनपुट चीज़ें डाल रहे हो वहाँ पे पहले आप URL में देख ले HTTPS लिखा हुआ है कि नहीं। अगर लिखा हुआ है तो वो साइट आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए सिक्योर है। कंपनी उस साइट को सिक्योर करके रखती है ताकि कस्टमर के डेटा किसी और के पास ना जा पाए। दोस्तों, ऐसे ही करके आप यूज करें। और दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हम अच्छे साइट पे, ओरिजिनल साइट पे आ जाते हैं, उसके बाद वहां पे डुप्लीकेट साइट लिंक आ जाते हैं और हम बिना देखे हुए अपना डेटा वहां पे पुट कर देते हैं और इसी के वजह से हमारी अकाउंट हैक हो जाती है, इसी के वजह से हमारी डेटा लीक हो जाती है। लेकिन आज से आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल कि आप कोई भी साइट पे अपना कोई भी पर्सनल काम करेंगे वहां पे आप HTTPS यहां पे ऊपर URL में जरूर देखेंगे और वहां पे आपको एक लॉक बना भी मिल जाता है और यहां पे सिक्योर लिखा ऑलरेडी मिल जाएगा, उसके बाद आपको मिल जाता है ऐसा HTTPS। उस वाले वेबसाइट पे आप अपने डेटा को डालें, उस वाले वेबसाइट से आप अपना काम करें, वो आपके लिए सिक्योर होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं एक दो और साइट आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मैंने फिर से यहां पे नया टैब ले लिया और गूगल ओपन करके इस पे दिखा देता हूं, जैसे कोई बैंक का दिखा देता हूं, ICICI, और एंटर दबा देता हूं और उसके बाद मैं ओपन करके दिखाता हूं क्या ये साइट आपके लिए सिक्योर है कि नहीं। तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे भी लिख रहा है सिक्योर और यहाँ पे लॉक लग रहा है, यहाँ पे भी लिख रहा है HTTPS, यानी कि ये भी साइट आपके लिए सिक्योर है।
फिर मैं दूसरा टैब ओपन करके फिर से मैं कोई साइट ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल LIC ओपन कर दिया, इसका साइट को ओपन कर रहा हूँ और करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखेंगे LIC की भी साइट आ गई हमारे पास और यहाँ पे भी लॉक लग रहा है और यहाँ पे सिक्योर लिख रहा है, यहाँ पे भी लिख रहा है HTTPS। यानी दोस्तों इस टाइप की वेबसाइट आप कोई भी विजिट करते हैं तो आप सबसे पहले ये URL बिल्कुल देख लिए और ध्यान से देख लें, और कोई भी इनपुट डालने से पहले आप URL तो बिल्कुल देख ही लें ताकि आप सिक्योर रहें और आप हैप्पी रहें और आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही होगी, तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें ताकि किसी का भी अकाउंट गलत रूप से ना हैक किया जाए, किसी का डेटा गलत रूप से लीक ना हो जाए। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ, तो ज़रूर आप इसे शेयर करेंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें और हमारी चैनल को ऐसे ही देखते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और दिल की प्यारी प्यारी बातों को कमेंट में डालना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।